मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कटनी जिला प्रशासन की अगुवाई में फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में खेल कूद विभागीय बच्चों के अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का समूह इस कार्यक्रम में भागीदार बना। सर्वप्रथम फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में जमा हुए प्रतिभागियों को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ के लिए रवाना किया, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों कचहरी चौराहा, मिशन चौक, कोतवाली होते हुए SBI चौराहे से फॉरेस्ट प्लेग्राउंड वापस आया। इस दौरान कलेक्टर अभी प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई, जिसमें हर एक वर्ग और व्यक्ति एक दूसरे को वोट डालने हेतु प्रोत्साहित करें। आप सभी को सबसे पहले थैंक यू, मेरे को इसमें बोलने का मौका दिया आप लोग ने। मैं इसमें प्रथम स्थान आया हूँ। आज किस चीज की रेस हो रही थी, किस उद्देश्य के साथ? ये वोट डालने के उद्देश्य से ये रेस की गई थी। कटनी करेगा वोट, उसी के लिए ये रेस करी थी। उसमें मेरा प्रथम स्थान था। और दूसरे के यही संदेश देंगे जो 18 से प्लस हैं ही, मतलब 18 प्लस हैं जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर और जो अभी हो रहे हैं, उन्हें वोट डालने के लिए जागरूक किया जाए। देखिए, स्वीप के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां लगातार चल रही हैं और उनका उद्देश्य एक ही है, लोगों को जागरूक करना कि वो 17 नवंबर 2023 को बड़ी संख्या में जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आज जो है वो ये एक दौड़ का आयोजन किया गया है जो शहर के मुख्य स्थलों से गुजरते हुए सुभाष चौक, गणेश चौक, रेलवे स्टेशन, वापस यहाँ पर फॉरेस्ट ग्राउंड आएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमारी लगातार यही अपील की जा रही है कि लोग जो है बड़ी संख्या में मतदान अवश्य